नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हमारे राज आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे महिलाओं में महावारी की समस्या विषय पार्ट टू पे। पिछले वीडियोज में हमने बताया आपको ओलिगोमेनोरिया क्या होता है, उसका हमने इलाज बताया आपको। आज हम आपसे बात करेंगे एमेनोरिया यानी अनार्थ पे। अनार्थ मतलब एक उपयुक्त उम्र हो जाने के बाद भी महावारी का शुरू नहीं हो पाना या महावारी बिल्कुल ही बंद हो जाना, तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण ऐसी महिलाओं में प्रजनन अंग का पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाना, जननेंद्रियों का पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाना, हार्मोनज का ठीक तरह से स्राव नहीं हो पाना, अनेकों बीमारियां जैसे टीबी हो गया, मोटापा हो गया, मधुमेह हो गया, अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव जो है विकृत हो जाना, इसका प्रमुख कारण है। तो सबसे पहले इसका इलाज करने के से पहले आप एकदम निर्दिष्ट हो लीजिए, उस कारणों का पता लगाइए जिन कारण से महावारी बिल्कुल ही नहीं होता है या बिल्कुल बंद हो गया है। ऐसे में कभी कभी क्या होता है कि वायु दोष के वजह से जो महावारी के समय रक्त निकलता है, ये रक्त निकल करके सूख जाता है, और ये जब इकट्ठा होने जिसे यूट्रस में गर्भाशय में इकट्ठा होने लगता है, चाहे फलोपियन ट्यूब में बीजवाहिनी नली में जब इकट्ठा होने लगता है, तो शुरू में हल्का पेड़ों में दर्द की शिकायत होती है, भारीपन महसूस होता है, मूत्र नलिकाओं पे उसका गर्भाशय के दबाव पड़ता है जिसके वजह से पेशाब भी खुल करके नहीं हो पाता है। तो ये जब इस तरह का समस्या बनना शुरू होता है तो धीरे धीरे ये रक्त गुल में, इसको कहेंगे रक्त गुल में, और ये डेवलप होने लगता है। तो कभी कभी महिलाओं में ऐसा समझ में आने लगता है कि उनका जो है ना बच्चा रुक गया है। कभी कभी जिनको बच्चा नहीं हो पाता है, पीरियड नियमित रूप से नहीं आ पाता है, चाहे कभी आया और 3 महीना 4 महीना 6 महीना तक नहीं आया, ऐसे कंडीशन में उनको लगता है कि बच्चा डेवलप हो रहा है, लेकिन वो सिस्ट के रूप में, वो रसौली के रूप में रूप धारण कर लेता है और धीरे धीरे वहाँ डेवलप होने लगता है। जब उसका जांच कराते हैं तो पता चलता है कि फलोपियन ट्यूब में बीजवाहिनी नली में वो रसौली बन गया, जिसके वजह से फलोपियन ट्यूब भी बंद हो चुका है, चाहे यूट्रस में गर्भाशय में कभी कभी इसका डेवलपमेंट हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आयुर्वेद में बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रीटमेंट है, इस पर हमने सैकड़ों बार काम किया है और इसको ठीक किया है। तो सबसे पहले अगर किसी महिला को प्रजनन अंग डगर डेवलप नहीं हुआ है, विकसित नहीं हुआ है, तो उसकी डेवलपमेंट का काम करेंगे, सबसे पहले उसको ठीक करने का काम करेंगे। तो उसके लिए आप पोहकर मूल, शिलाजीत बट्टी, चाहे शिलाजीत रसायन, चाहे स्वयं शिलाजीत और पोहकर मूल का प्रयोग करेंगे, तो धीरे धीरे उसका जो है ना गर्भाशय डेवलप हो जाएगा, उसका प्रजनन अंग डेवलप हो जाएगा, हार्मोनज का स्राव होने लगेगा, उसके बाद ही महावारी लाने का दवाई यूज करना चाहिए, महावारी लाने के लिए औषधि का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि उसका प्रजनन अंग डेवलप हो गया है, चाहे डेवलप है, ऐसे कंडीशन में रजा प्रवर्धनी बटी, आरोग्य वर्धनी बटी, कुमारी आसव, लोहासव, दशमूलारिष्ट, इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रयोग करने से उसका जो पीरियड है आने लगेगा। लेकिन अगर आपको ये पता चलता है कि फलोपियन ट्यूब बंद हो गया है, रसौली हो गया है, तो उसके लिए बहुत ही परफेक्ट और
99% 100% तो नहीं कहेंगे, 99% कारगर ट्रीटमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। कलम कागज उठा लीजिए, नोट कर लीजिए, ये मेरा स्व अनुभूत योग है। आपको कंचनार वृक्ष का छाल का चूर्ण लेना है और वज्र भस्म में कंचनार वृक्ष के छाल का चूर्ण आप 300 ग्राम लेंगे और उसमें वज्र भस्म में 400 मिलीग्राम मिलाएंगे। खूब अच्छी तरह 6 घंटा तक उसको खूब रगड़िए, घसिए और इसके बाद उसका 60 पुड़िया बना लीजिए। एक पुड़िया सुबह, एक पुड़िया शाम खाइए। इस तरह से नियमित रूप से आप 3 माह तक सेवन करें और वो रसौली आपका बिल्कुल गायब हो जाएगा। इसके साथ में कंचनार गुगुल 2 गोली सुबह 2 गोली शाम लेना है। अगर संभव हो आपके पास कहीं कंचनार का वृक्ष नज़दीक मिल जाता है तो उसका कंचनार वृक्ष के छाल का काढ़ा या उसके पत्ती का काढ़ा स्वरस उसके साथ लेंगे तो और तेज़ी से काम करेगा और आपको पूर्ण रूप से निजात की तरफ ले जाएगा। इसका अगर कोई भी आयुर्वेद का माहिर व्यक्ति हो, चाहे आयुर्वेद का बढ़िया जानकार हो, उससे आप संपर्क करें और उसका आप ट्रीटमेंट लें, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अगर कभी कभी रेयर केस में 1% नहीं हो पाता है तो उसका ऑपरेशन इलाज है, लेकिन अब ये 100% नहीं कहेंगे, 99% कारगर इलाज है और बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो आज हमने आपको बताया अनार्थ है, महिलाओं में महावारी की समस्या बिल्कुल ही नहीं आना। नेक्स्ट वीडियो हम आपको बनाएंगे महावारी की समस्या पार्ट 3 में, उसका विषय रहेगा आपको हाइपोमेनोरिया, यानी महावारी में अनियमित खून आना। तो हमारे इस चैनल को जो मित्र अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको सबसे पहले आपके तक वीडियो पहुंचेगा और नियमित रूप से हम अपना वीडियो बनाते जा रहे हैं, इसको आप नियमित रूप से सुनिए, इससे आपको बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा और जो मेरा स्वानुभूत योग है उसको हम आपको बताते जा रहे हैं। धन्यवाद।